अगर आप सराहा ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये ऐप आपके निजी डेटा में सेंध लगा रही है। सराहा ऐप डाउनलोड होते ही आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सराहा के सर्वर पर चली जाती है। आपकी इस निजी डिटेल का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सराहा को यूजर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल की क्या जरूरत है? क्या ये ऐप ऑनलाइन उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है? क्या ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है? इन सभी सवालों पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। सराहा ऐप, ये वो नाम है जो आजकल टेक सेवी लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। पूरी दुनिया में धमाल मचाने वाले इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेटा सुरक्षा के लिहाज से ये ऐप बेहद खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक सराहा ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का निजी डेटा सराहा के सर्वर में अपलोड हो रहा है। निजी डेटा मतलब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारे ईमेल एड्रेस। आपके इस निजी डेटा का कोई भी और कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। सराहा ऐप कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के लिए यूजर से परमिशन मांगता है, लेकिन इस ऐप में ऐसा कोई फीचर ही नहीं है जिसमें उसे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़े। इसके बाद भी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मांगना इस ऐप पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल सराहा ऐप के जरिए आप अपने प्रोफाइल से लिंक किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन मैसेज पाने वाले को मैसेज भेजने वाले का पता नहीं चलेगा और इस मैसेज का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। इसी फीचर की वजह से ये ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर टॉप पर पहुंच गई है। ऐप पर सवाल उठने के बाद सराहा ऐप के फाउंडर जैनुअल आबिदीन ने सफाई दी है। जैनुअल आबिदीन का कहना है कि यूजर्स के कॉन्टैक्ट्स को आने वाले समय में हटा दिया जाएगा। आबिदीन का कहना है कि कुछ समय बाद फाउंड योर फ्रेंड नाम का फीचर लॉन्च किया जाएगा और इसीलिए ही कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ली गई है। सराहा के साथ दिक्कत ये भी है कि एनोनिमिटी की वजह से कुछ लोग इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं और यूजर्स को काफी भद्दे मैसेजेस का शिकार होना पड़ रहा है। सराहा ऐप ने एक बार फिर यूजर के निजी डेटा की प्राइवेसी पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि साइबर वर्ल्ड में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। और दो खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट है, साथ ही साथ नितिन भटनागर हेड बिजनेस डेवलपमेंट सीसा के मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक तलांग और साथ ही दिनेश देव शर्मा भी हैं। दिनेश, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस ऐप को जो आपने रिव्यू किया है उसमें क्या कुछ पाया, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। जी बिल्कुल अनुया, काफ़ी समय से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों के अंदर ये क्रेज़ एकदम से उठा। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाते हैं तो ये नंबर वन, इनफैक्ट 30 कंट्रीज़ में ऐप स्टोर पे नंबर वन एप्लीकेशन बन गई थी। हमने इस एप्लीकेशन को हमने रिव्यू किया और जो हमने बहुत इनिशियली स्टेज पे ही हमने जो आइडेंटिफाई किया वो था कि जो इसकी यूएसपी है वो ही सबसे बड़ा खतरा है। जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, मेरे पास इनिशियली बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उसके बाद ये पॉजिटिव मैसेजेस बहुत मीन और बहुत अगली मैसेजेस में कन्वर्ट हो गए और यही प्रॉब्लम हर एक यूज़र के साथ हो रही है। सारे इसके शिकार बन रहे हैं, सारे इसके विक्टिम बन रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इनिशियली आपको ये अच्छा एक क्यूरोसिटी होती है इसको जानने के लिए, आपको एक अच्छा लगता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इसका सारा बहुत इस तरह जो एप्लीकेशन है बहुत अगली नोट पर एंड होता है। जी अनुया, मिस्टर दुग्गल, आखिर किसी भी ऐप को, सराहा की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, तो उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जरूरत क्यों है? देखिए, आज कोई भी जो ऐप है किस संदर्भ में काम कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आज हम एक डेटा इकोनॉमी की दिशा में जा रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई एक है तो वो है आपका और मेरा डेटा। लिहाजा यही वो डेटा है जो ये मोबाइल एप्लीकेशंस इंटरेस्ट करती हैं। और देखिए, इतनी आपको चीज़ें देती हैं, सुविधाएं देती हैं, मुफ्त में देती हैं, ऐसी क्या खास बात है? बड़ी पुरानी कहावत है कि जब भी कुछ चीज़ मुफ्त आपको दी जाए तो आप प्रोडक्ट बन जाते हैं, और यही बात सराहा के भी संदर्भ में पूरी तरीके से खरी उतरती है। वो आपके कॉन्टैक्ट्स इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एक बार आपके कॉन्टैक्ट्स की जो कॉपी उनके पास मिल जाए
और फिर आप जो लगातार इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और आप जो साथ साथ डेटा उत्पन्न करेंगे उसको भी वो लगातार कैप्चर करेंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और वहीं से पैसा कमाएंगे। तो लिहाजा कुछ भी इस तरह के ऐप में आप उसके जाल में मत फंसिए, क्योंकि आपका डेटा ही वो लेकर बेच के आप ही की जो निजता का अधिकार है उसका संपूर्ण हनन करते रहेंगे। बिल्कुल मिस्टर दुग्गल, एक और चीज ये कि फाउंडर ने कहा कि हम चेंजेस कर रहे हैं ऐप के अंदर और आगे ऐसा नहीं होगा। जब भी हम ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, या फिर ऊबर ले लीजिए, स्नैपचैट ले लीजिए, जोमैटो जैसी ऐप ले लीजिए, हमेशा पूछा जाता है आपसे दैट कैन वी एक्सेस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कैन वी एक्सेस योर इमेजेस, किसी भी ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं। सराहा में ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि पॉलिसी जरूर ये कहती है कि हम आपसे पूछेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रूक हुई है एक तरह से। और उन्होंने माना भी कि हाँ ठीक है, हम अगले जब अपडेट करेंगे अपने इस वर्जन को तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ये शो करता है कि मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियां कितनी हद तक अपने आप को कानून और लोगों की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर समझती। उन लगता कि छोटी सी बात है, हमें नहीं हुआ चलो अगली बार कर लेंगे। भूल जाते हैं कि आपके जो उपभोक्ता हैं वही आपका बिजनेस चलाने वाले हैं। जितने ज्यादा यूजर्स आपकी एप्लीकेशन को अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे, उतनी ज्यादा लोकप्रिय आपकी एप्लीकेशन होगी, उतनी ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी। और अगर आप इस तरीके से एक रवैया अख्तियार करेंगे कि ठीक है हम कंपनी हैं और आप तो कोई ऐसे छोटे से व्यक्ति हैं और आपका डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को लगता है कि आप मुझे प्रॉपर इज्जत के साथ व्यवहार नहीं कर रहे। लाजमी सी बात है उस संदर्भ में ना केवल उपभोक्ता आपके ऐप को छोड़ देगा बल्कि साथ ही साथ आपके विरुद्ध मैं कहता हूँ कि बैड माउथिंग करेगा, लोगों को प्रोत्साहन देगा कि वो आपकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो लाजमी सी बात है, मुझे लगता है आज के संदर्भ में आपको अपने उपभोक्ताओं की निजता को विशिष्ट तौर पर ध्यान देना चाहिए। उनको हर चीज के बारे में बताएं कि हम किस तरह की जानकारी आपसे इकट्ठा कर रहे हैं, उस जानकारी का क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। अगर ये तमाम सारी बातें उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस में हों और प्राइवेसी पॉलिसी में हों तब उपभोक्ता उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यानी यहाँ पवन जी की बात में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप आज की तारीख में ऐप स्टोर पर सराहा की रेटिंग्स देखें तो अनुया 2 स्टार हैं सिर्फ सराहा की रेटिंग्स में। जब ये आया था 30 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं इसके, और उसके अलावा कम से कम 30 देशों में टॉप 10 ऐप्स के इसमें शामिल था अभी हफ्ते 10 दिन पहले। और आज ऐप स्टोर के ऊपर सराहा की रेटिंग जो है वो सिर्फ 2 स्टार है। मतलब यूजर को समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ये जो ऐप है ये जितना अच्छा जितना लुभावना दिखता है उतना अच्छा ऐप है नहीं। एक और चीज अभिषेक कि ये ऑनलाइन उत्पीड़न को भी यहाँ पर बढ़ावा देता है, क्योंकि आप जब किसी को मैसेज कर रहे हैं दैट पर्सन हैज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स कि आपने किसने आपको ये मैसेज भेजा है, क्या आप उस यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं? आप उस यूजर को ब्लॉक जरूर कर सकते हैं, आप चाहें तो नोटिफाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, पर उस रिपोर्ट भेजने के बाद उस यूजर मतलब जिसने आपके साथ बदतमीजी की है या साइबर बुलिंग करने की कोशिश की है उसके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कुछ भी किसी भी तरीके से जवाब नहीं दिया गया है। अगर आप उनकी प्राइवेसी की पूरी पॉलिसी देखिए तो आप अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं, आप उस ऐप में आपने अकाउंट बना लिया तो ऐप की मदद से मतलब ऐप के थ्रू आप उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। ऐप डिलीट कर सकते हैं पर अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, और अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और एक थोड़ी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का फॉलो करके फिर आप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। नितिन, हाउ सेफ आर दीज एप्स? हालांकि मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगी ऊबर से या फिर जोमैटो जैसी ऐप से जो आपको सर्विसेज देती हैं। इस तरह की ऐप जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न को तो बढ़ावा देती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये जितनी भी ऐप्स होती हैं, मैं अभी पवन सर ने भी ये बात बोली है कि ये ऐप सेफ्टी के मामले में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और साइबर बुलिंग जैसे क्राइम इतने इस ऐप के थ्रू बढ़ रहे हैं, अब मैं सुन भी रहा हूं कि काफी क्राइम्स मेरे सुनने में भी आ चुके हैं कि ऐसा हुआ है। बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ऐप को डाउनलोड करने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट ये भी होगी कि कुछ इस तरीके की अगर ऐप्स आती हैं,
इंडिया में हैं या फिर इंडिया की बाहर की हैं, तो इंडिया में जो भी एप्स अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो इंडियन प्रोवाइडर्स सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बना के दे रहे हैं, उनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐप तो डाउनलोड कर लेंगे, आप इंस्टेंट ऑफ द मूड में नो यू नो मूड ऑफ एकदम से आप डाउनलोड करने के बाद उसको यूज भी करना शुरू कर देंगे, बट आप ये अदर साइड पे अब ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस डेटा को किस तरीके से आपके यूज कर रहे हैं। तो अभी यही अभी जब हम लोग डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं तो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ में ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी जो कि गवर्नमेंट को वर्कआउट करनी पड़ेगी कि इस तरीके से अगर कोई डेटा किसी से लिया जा रहा है तो वो उसको किस तरीके से सेव कर रहा है, क्योंकि यूजर को अवेयर करना ही एक तरीका है, क्योंकि यूजर के सामने कोई ऐप आएगा, जिस तरीके से सारा ऐप आई थी उस टाइम लोगों ने तुरंत इसको इतना डाउनलोड किया और यूज किया, तो उसी वजह से इसका रिस्क लेवल भी उतना ही हो जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली यूजर पर्सपेक्टिव अवेयरनेस इज द की, उसके अलावा जो लोग इन एप्स को चला रहे हैं उनके की भी उनको भी सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। मिस्टर दुग्गल, इज देयर एनी वे इन इंडिया जो कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है साफ तौर पर सराहा ऐप, क्या कोई ऐसा तरीका हम अपना सकते हैं या कोई ऐसा कानून है जिससे इन एप्स को आप बैन कर सकते हैं देश में? देखिए, भारत में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। इसके अंतर्गत सेक्शन 69 में केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो कुछ गिनी चुनी परिस्थितियों में दिशा निर्देश दे सकती है कि कोई कंटेंट को इंक्लूडिंग कोई वेबसाइट या ऐप को ब्लॉक कर सके। मसलन कि अगर वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या भारत के जो मैत्री संबंध हैं पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उसको इम्पैक्ट करता है या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी को असर करता है, तब इन परिस्थितियों में इस तरह के ऐप को रोका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारतवर्ष में आज तक कोई मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं बना, तो विद द रिजल्ट जो कुछ आ जाता है लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई संरक्षण नहीं होता, और यही एक बहुत बड़ी बुनियादी कमजोरी है, चुनौती है कि आप उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में खासतौर पर मोबाइल एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह फेल कर चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज सरकार चाहे तो एटलीस्ट मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स पर अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है कि हम सब भारतवासियों को, भारतवासी तो छोड़िए, हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे अपनी निजता का मौलिक अधिकार है और उसका उल्लंघन सरकार नहीं करेगी, और अगर सरकार इस तरह के ऐप्स को लाने क्या बिल्कुल अलाउ कर रही है और उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर जरूरत पड़े तो सरकार को रिट पिटीशन में सू किया जा सकता है इस तरह के मामलों में, लेकिन उससे भी पहले ज्यादा जरूरत है कि सरकार अपने दायित्व को समझे, नए नॉर्म्स लेकर आए ताकि इस तरह की जो एप्स हैं जो आपकी प्राइवेसी, आपकी डेटा प्रोटेक्शन की दुश्मन है, एटलीस्ट उनको तो भारतवर्ष में डाउनलोड ना किया जा सके, इस तरह के प्रबंध होने चाहिए। जी नितिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल एज एन ऐप डेवलपर कंपनीज को भी इस मामले में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, और जैसे एप्पल हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गए या गूगल जैसी कंपनियां जो एंड्रॉयड, विंडोज और iOS जैसे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, उनको भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके की जरूरतें देनी चाहिए कि जिससे यूजर को अपने डेटा की प्राइवेसी के लिए मैक्सिमम कंट्रोल हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल अभिषेक, आई थिंक अभी देखिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि जब ये मोबाइल कंपनीज या फिर कोई भी कंपनी इन एप्स को बनाती है और बनाने के बाद इनको गूगल प्ले या एप्पल के स्टोर में इनको डाउनलोड करने के लिए छोड़ देती है, तो ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स पे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इनको बनाने के बाद इनको कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जब ये एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन कभी कभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को भी लेते हैं, तो ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर, तो एक सबसे बड़ी ये परेशानी होगी यूजर के लिए, क्योंकि देन आप वल्नरेबल हो जाते हैं। यूजर एज ए यूजर मैं वल्नरेबल हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐप इतनी वल्नरेबल हो कि मेरे डेटा कहीं ना कहीं जाके लीक हो रहा हो या फिर उन्हीं के सर्वर पे जाके वो उस डेटा को स्टोर कर रहे हो,
अब इन केसेस में जब ये कंपनीज डेटा को स्टोर करना शुरू कर देती हैं, तो ये क्या ये डेटा डिस्कवरी अपने अपने सिस्टम्स पे, अपने सर्वर्स पे करते हैं? डेटा डिस्कवरी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को करना बहुत ही जरूरी होगा, जिसमें उनको ये पता लगेगा कि उनके सिस्टम्स में किस तरीके का डेटा जाके स्टोर हो रहा है। अगर वो लोग क्योंकि हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे परमिशंस मांगी जाती है कि हम आपका ये एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपके ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपकी फोन डायरेक्टरी एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, अगर ये सारा डेटा उन ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है तो उनको एक डेटा डिस्कवरी करना बहुत ही जरूरी है। डेटा डिस्कवरी अगर नहीं कर रहे हैं और ये डेटा उनके सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है तो उनको भी ये नहीं पता होगा कि किस टाइप का डेटा उनके सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है, और रियलाइज तब होगा जब उनके यहाँ कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट या डेटा ब्रीच जैसी खबर मार्केट में निकल के आएगी। जैसे हमने पास्ट में इंडिया में भी कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता ही नहीं था कि उनके सिस्टम्स में किस तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है, जब तक या तो किसी हैकर ने बाहर से जाके उनके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया और कहा कि मेरे आपके सर्वर्स पे हमने 1 मिलियन ईमेल आईडीज पासवर्ड्स भी डिटेक्ट किए हैं। तो इन ऐप प्रोवाइडर्स को एक ऐसे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन सारी चीजों का ध्यान रखे, और डेटा डिस्कवरी करना इन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहीं जाके ये कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी अनु, यहाँ पे नितिन ने बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, डेटा डिस्कवरी, किस तरीके का डेटा सेव हो रहा है। आप अगर देखें सराहा में आपके जो भी यूजर है उसे अनोनिमस रखा जाता है और जिसको भेज रहे हैं उसे अनोनिमस रखा जाता है। सोच के देखिए अगर इनके सर्वर किसी दिन हैक हो गए जहां पर ये हमारे डेटा, हमारे ईमेल आईडीज, हमारे कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कितना हो सकता है। मैंने अगर किसी को कुछ गलत मैसेज भेजा या किसी ने मुझे गलत मैसेज भेजा, वो सारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जाने क्या क्या डिवास्टेशन हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, अब ये बताइए कि कोई आईफोन यूजर अगर है तो वो कैसे अपने फोन को सेफ रख सकता है कि उसका डेटा लीक ना हो, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल्स, इस तरह का जो डेटा फोन में होता है वो लीक ना हो। देखिए पहली चीज जो सिक्योरिटी का लेवल है वो तो यूजर की तरफ से ही होता है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि भाई किस तरीके से आप अगर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं आपकी क्या चीजें कर सकते हैं, वो आपकी क्या चीजें मांग रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे आईफोन में काफी इजी है इस चीज को करना, आपको सिर्फ सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में यहां नीचे आपके ढेर सारे एप्स की डिटेल होती है और उन एप्स के नाम दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं फेसबुक देखूं तो फेसबुक के ऊपर सेटिंग्स के अंदर जाकर आप अपनी तरह से आप इसको बड़े ही आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेशन आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं शेयर करना चाहते हैं, फोटोग्राफ्स में आप फोटोग्राफ्स फेसबुक का ऐप आपका रीड करे या ना करे, जैसे यहां पर फेसबुक ऐप मेरा माइक्रोफोन, कैमरा और सर्च जो है वो देख सकता है मैं क्या टाइप कर रहा हूं, क्या माइक्रोफोन मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है, वीडियोस के लिए होता है, फोटोग्राफ्स मेरे शेयर कर सकता है। सेम अगर आप बाकी अगर आप गूगल की तरफ अगर आप ध्यान दें तो गूगल आपके फोटोज भी देखता है, लोकेशन भी देखता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देखता है और कीबोर्ड भी देखता है कि मतलब आप क्या टाइप करते हैं, क्या सर्च करते हैं। तो ये आपको जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं वो ऐप एक बार सेटिंग्स में जाके ये थोड़ी बहुत ट्वीकिंग आपको करनी जरूरी है कि आप किसी भी ऐप डेवलपर के पास क्या अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी का लेवल सबसे पहले यूजर की तरफ से शुरू होता है और दूसरा फिर ऐप डेवलपर कंपनीज को तो अपनी तरफ से जिम्मेदारी ये निभानी चाहिए ही चाहिए कि किस तरीके से वो अपने यूजर का डेटा ज्यादा सिक्योर कर सके। बिल्कुल, चलिए अब दिनेश से जान लेते हैं। दिनेश, एंड्रॉइड फोन यूजर्स जो है वो कैसे अपने फोन को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं? जी बिल्कुल अनुया, इनफैक्ट प्ले स्टोर पर हम कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यूजुअली उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो कर लिया जाता है लेकिन उसको चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको लोकेशन एक्सेस देना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस देना पड़ता है, और हर एक यूजर थोड़ा जल्दबाजी में इनको अलाउ उस टाइम पे जरूर कर देता है क्योंकि वो एप्लीकेशन चलाना चाहता है। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होती है बाद में उससे जाके उसमें से हटाने की, तो मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे फोन पर थोड़ा जूम इन करके थोड़ा दिखाना चाहें। तो ये मेरे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है, इसमें हम सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस, आप जो जोन सी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं आपके पास वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। हालांकि मैंने सराहा को अपनी फोन में से हटा दिया है तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फेसबुक पर लेकर जाऊंगा। तो आप जैसे कि फेसबुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आती है परमिशन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, एसएमएस, स्टोरेज, इन सब की ऑप्शंस हैं जिसको मैंने सिर्फ कैमरा, लोकेशन
और स्टोरेज को एक्सेस किया हुआ है, यानी कि फेसबुक इन इन चीजों को, मेरे फोन की इन इन चीजों को यूज कर सकता है। मैं इन सबको हटा सकता हूँ और इस एप्लीकेशन के पास अब कोई राइट नहीं है मेरी किसी भी चीज, किसी भी डेटा को एक्सेस करने की। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिला के यूजर के पास ही ये ऑप्शन होती है अपनी प्रिवेसी को बचाने के लिए। और जैसे कि अभिषेक को सबने कहा कि अपने हाथ में होता है जी, ये ऑप्शन जरूर है दिनेश, लेकिन देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मिस्टर दुग्गल, जैसा कि अभिषेक ने और दिनेश ने यहाँ पर डेमो दिखाया कि कैसे हम एंड्रॉयड और एप्पल फोन को सेव रख सकते हैं सर, लेकिन ये बताइए कि अगर मैं एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर रही हूँ क्या उसी समय मैं कुछ चेंजेस करके अब फोन को सिक्योर रख सकती हूँ, या फिर पहले मैं डाउनलोड करूंगी और उसके बाद सिक्योरिटी में सेटिंग्स में जाकर उनमें बदलाव करूंगी? देखिए, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले एक उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, दूसरी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें कि वो किस तरीके से आपकी जानकारी को हैंडल करने वाला है, तीसरा डाउनलोड करने से पहले एक बार नेट पे जाके देख लें कि लोग क्या कह रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और या कुछ खतरे हैं या नहीं। अगर आप फिर भी आश्वस्त हैं कि यही वो एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड करनी है, तब आप डाउनलोड करें। जिस वक्त डाउनलोड करेंगे वो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगेगा, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी परमिशंस आप नहीं देना चाहिए तो मत दीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आपको ऐप अलाउ ही नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो ऐप ले लीजिए विद ऑल द कंडीशंस या ऐप को छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐप कहते हैं कि सिर्फ हम डाउनलोड करते वक्त सारी परमिशन लेते हैं, लेकिन एक बार आप अंदर घुस गए उसके बाद आप अपनी परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो वो भी संभव है कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत अपने सेटिंग में जाइए और जो जो परमिशंस आपने ऐप को दी थी उसको आप नकार दीजिए, उसको नो कर दीजिए। उससे होगा क्या कि बहुत कम ही डेटा आपका बाहर जा चुका होगा। अब देखिए, आप इन्होंने फेसबुक की बात करी और इन्होंने कहा कि फेसबुक की सेटिंग में वो परमिशन आपसे SMS की भी मांगता है, यानी कि फेसबुक जैसी एप्लीकेशन आपके SMS सारे पढ़ती है, उसकी कॉपी बनाती है और फिर जाके कैलिफोर्निया में भेज देती है। अब आप पूछेंगे कि फेसबुक जैसी एप्लीकेशन को मेरे SMS पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो आपको एक डेटा एंटिटी समझते हैं और आपका डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, उसका वो मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो जितने हम जागरूक होंगे अपने राइट्स के बारे में, जितने हम फियर्सली अपनी प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ही अल्टीमेटली हमारा भविष्य डिजिटल जो होगा वो एक सुरक्षित भविष्य हो सकेगा। बिल्कुल मिस्टर दुग्गल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। तो बहुत सेफ है आपके लिए और बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जैसा कि मिस्टर दुग्गल ने कहा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ें और हो सके तो उस ऐप से रिलेटेड रिव्यूज भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हर अपडेट बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।